नमस्कार, सच कहूं बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। नजर पाउने आ पंजाब समेत दुनिया भर दीआं वड्डीआं खबरां ते। 3500 करोड़ नाल बनी अटल सुरंग दा मोदी ने किया उद्घाटन। सोनिया गांधी ने 2010 विच रखी सी नींह पत्थर। देश विच करोना नाल मरण वालों की गिनती 1 लाख के पार टप्पी। COVID-19 के कुल मरीज पौने 65 लाख करीब। हाथरस कांड विच सिट वालों जांच मुकम्मल। मीडिया नूं परिवार नाल मिलन की मिली इजाजत। एम्स हस्पताल की रिपोर्ट, सुशांत राजपूत का कतल नहीं किया गया सगों उसने खुदकुशी की। देश विच औरतों के बच्चों लिए इन्हां दे संकट नूं खत्म करन मोदी। नोबल पुरस्कार जेतू कैलाश सत्यार्थी वालों अपील। भारत वालों मिलाइज सोरियां की सफल परख। 1000 किलोमीटर तक है मार समर्था। बिहार चोणां विच बसपा नूं वड्डा झटका। पार्टी का सूबा प्रधान RJD विच होया शामिल। हाथरस कांड खिलाफ विरोधी धिर जंतर मंत्र ते उतरियां। पंजाब विच 10वें दिन भी जारी रहा किसानों का धरना। खेती कानूनों विरुद्ध किसानों ने रेलवे लाइनों ते लाए डेरे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा राहुल गांधी का हाथरस दौरा सिर्फ राजनीतिक इंसाफ लई नहीं जा रहे। BJP की दो टूक पंजाब विच लड़ांगे 117 सीटा ते चोण। कैप्टन वालों पंजाब च खेती कानूनों विरुद्ध दस्तखतक मुहिम की रस्मी शुरुआत। सुखबीर बादल नूं भगवंत मान की चुनौती। बहस लई तैयार होणगे अकाली लीडर। किसान जथेबंदियों वालों मोगे च रिलायंस पंपां का घेराओ लगातार जारी। फिलहाल इस बुलेटिन चैनल ही ज्यादा खबर देखने लिए तुसी देखते रहो सच कहूं। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।